Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 30 तारीख को हकायक में मेरा एक इंटरव्यू जो है वो शाया हुआ, ऑन एयर गया. तो उस पे बहुत सारे दोस्तों ने पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो है, यूरोप से भी और मिडिल ईस्ट से भी बहुत सारे कमेंट्स उस पे आए. और उसमें मैंने ये बात कही थी कि 2005 में जब जरदारी साहब वापस आते हैं रिहाई के बाद, तो उस वक्त बिलावल हाउस लाहौर कैंट में उन्होंने मेरे साथ ये मशवरा किया कि क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा को जो है वो अब रिटायर कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए, तो पार्टी की कमान अगर मैं संभाल लूं तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं. तो मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहले तो ये वजाहत करें कि ये बीबी को हटाने वाली बात जो है इसमें क्या गहराई है और किस तरह की बात है. कि मैं, उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि उसको अब बच्चों को संभालना चाहिए, सियासत को आप छोड़ देना चाहिए. तो मेरे जहन में हाकिम अली जरदारी साहब के बहुत सारे बयानात जो उन दिनों अखबारात में आ रहे थे शह सुर्खियों में कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं, अब बेनजीर को सियासत से दस्तबरदार होना हो जाना चाहिए और उनको पार्टी जो है वो जरदारी के हवाले, आसिफ के हवाले कर देनी चाहिए. तो वो मेरे जहन में चीज थी. तो इन्होंने जो सबसे पहला मशवरा जो उस वक्त मुझसे किया, ये 2006 से प्लानिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी. और जब इन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने इन्हें कहा कि देखें, मैं आपके साथ किसी इस तरह की किसी गेम में हिस्सेदार नहीं बन सकता, किसी इस तरह के मामले में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता. ना मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ कोई बात सुन सकता हूं, ना कर सकता हूं और ना किसी को करने की इजाजत देता हूं. तो यहां पे मैंने मोहतरमा को भी उस वक्त आगाह किया, वो उन दिनों स्टेट्स में थी, और मैंने उन्हें फोन किया, मैंने उन्हें आगाह किया और मैंने मखदूम अमीन फहीम को भी ये बात बताई कि जनाब ये तो पार्टी पे काबिज होने के लिए आ रहे हैं जरदारी एंड कंपनी, और ये बेनजीर साहिबा के बारे में जो इन्होंने फिक्रा कहा है, तो इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए मैं समझता हूं कि इसमें मुझे तो बहुत खौफनाक किस्म का कोई फैसला नजर आ रहा है. तो उसमें मैंने ये कहा था. तो बाकी मैं दोस्तों को, मेरा क्लिप जो चला रहे हैं उसमें वो बिल्कुल बजा चलाएं, मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि जो मशवरा किया गया उस वक्त उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने यही उनकी ख्वाहिश थी और तमन्ना थी, और वो चाहते थे कि मैं उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी इंट्रोड्यूस करूं, पार्टी के उन हलकों में जहां पे नजरियाती एहसास और कारकुन जो हैं वो जहां पे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं जो है जरदारी साहब के लिए काम करूं. तो मैंने उनको मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, बल्कि वहां पर उन्होंने कुर्बान खोसू को कहा कि यार शहजादा साहब बहुत लॉयल हैं बेनजीर के साथ, तो मैं चाहता हूं कि इनको तुम दुबई मेरे पास ले आओ. तो मैंने कहा जरदारी साहब, ना तो मैं दुबई आऊंगा और ना मैं आपसे मिलूंगा, आप जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद के लिए मैं आपका हिस्सा नहीं बन सकता. तो मैं उसके बाद जब ये कड़ियां मिलती चली गई और उसके बाद जो वहां पे मैंने कहा उसमें कि जो मकतल सजा वहां पे 2007 एक साल सवा साल के वक्फे के बाद वो जो गुफ्तगू मुझसे हुई, जो मकतल सजा और वहां पे जो कुछ हुआ और वहां के जो वाकयात जो हैं और वहां पे जो मौके को धुलवा देना, गाड़ी को डी रूट करना, फिर जो है वो आगे से रहमान मलिक साहब और जो है वो बाबर अवान साहब जो है वो इस्लामाबाद चले जाते हैं धमाके के बाद, उसके बाद जो है वो बीबी साहिबा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ये सारे वाकयात जो है वो मेरे सामने हैं. और मैं जानता हूं कि ये सारा मामला जो है ये कहां पे प्लान हुआ, कहां पे तय हुआ, लेकिन ना मैं उस वक्त भी इसका हिस्सा बना, ना मैंने इसको कोई ऐसी बात कही, बल्कि इसकी और मेरी नाराजगी, मैं समझा कि ये नाराज होगा. और मुझे दोस्तों ने वहां कहा बिलावल हाउस के सेन में खड़े हुए कि शहजादा साहब कार सलामत पहुंच जाओ तो बड़ी गल है. तो मैंने कहा अल्लाह मेरा निगेबान है. मैं अब भी कहता हूं कि ये 2006 से प्लानिंग शुरू हुई, जो 2007 में आके लियाकत बाग में जो जिसपे अमल दरामद किया गया. तो मैं इस पर बड़ा वाजे हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस फाइल को ओपन किया जाए और बेनजीर साहिबा के जो कत्ल है उस पे से जो दबीज पर्दे इसके ऊपर पड़ गए हैं उनको हटाया जाए, इनकी गर्द जो है वो साफ की जाए और बेनजीर साहिबा का जो भी कत्ल है और जिसने भी ये प्लान किया है, जिसने इस पे अमल दरामद करवाया है, उसको जो है वो तश्तज़बाम होना चाहिए. बाकी ना मुझे किसी चीज से खतरा है, ना मैं किसी से डरता हूं, और मैं जानता हूं कि जो रात जिंदान में है वो बाहर नहीं आ सकती और जो रात कब्र में है वो भी बाहर नहीं आ सकती. तो इसी पादाश में मुझ पे उस वक्त जो है वो बीबी की शहादत के बाद एक हमला भी करवाया गया,
लेकिन अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैं बच गया उस हमले में, तो आज भी मैं बिल्कुल जो है वो क्लियर हूं और दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल जहां पहुंच के मुझे बुलाया जाएगा, जहां मुझसे जो है वो हकायक जानने की कोशिश की जाएगी, मैं वहां पे हाजिर हूं और मैं अल्लाह रसूल को हाजिर और नाजर जान के अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए तैयार हूं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का।